अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिंगल कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। वीकेंड शुरू हो गया है और क्रेविंग शुरू हो गई है, तो चलें आलू की भुजिया बनाते हैं, साथ में पराठे और चाय, अचार, रायता सब बनाते हैं बिल्कुल आपके साथ। तो चलें क्रेविंग को दी एंड करते हैं और आलू की भुजिया बनाना शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, चलें आलू की भुजिया बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून राय दाना। साथ ही में डाला है 1 टेबल स्पून खड़ा मसाला, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून फ्रेंड्स हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं, आप सब देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून दही, दही ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर भी डाला है। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग, इससे इसका कलर ऑरेंज जैसा हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमारे मसाले भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी बस। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसे मैश कर देंगे, मतलब आलू को मैश कर देंगे। मेरी मम्मी स्पून से कर रही है। हाँ तो दोस्तों, अब हमारी आलू की भुजिया रेडी है और ये गाढ़ी भी हो चुकी है क्योंकि मेरी मम्मी ने सारे आलू मैश कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हमारी आलू की भुजिया रेडी हो चुकी है, तो चलें अब हम पराठों की तरफ चलते हैं। ओके, पराठे का आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, इसे मैं छान लूँगी। 1 कप मैंने लिया है चक्की का नॉर्मल वाला आटा, होल व्हीट फ्लावर। हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। मिक्स कर लेंगे और रोटी के आटे की तरह इसे हम गूंद लेंगे। पानी मैंने नॉर्मल लिया है, नीम गरम नहीं किया है। थोड़ा सा ऑयल डाला है,
सॉफ्टली इसे गून लेंगे। फिफ्टीन मिनट्स के लिए मैं इसे रेस्ट दे दूंगी। 15 मिनट्स के बाद पराठे बनाएंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं, पराठे बनाना शुरू करते हैं। हमने जो काली मिर्ची डाली है उससे पराठे में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राइंग पैन मैंने गरम रख दिया था। अच्छा सा कलर आ गया है, सारे पराठे मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। नाउ इट्स रेडी। अगर आप पूड़ियां बनाना चाहते हैं तो आप इसी आटे से पूड़ियां भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको नीम गर्म पानी से आटा गूंदना होगा। नॉर्मल पराठों के लिए नॉर्मल पानी लेते हैं और पूड़ियों के लिए नीम गर्म पानी, उसी से जो पूड़ियाँ है वो हमारी पफ होती है। आलू की भुजिया हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये रायमा की फेवरेट प्लेट है। साथ में अचार है, साथ में रायता है। रायते में मैंने भुना हुआ जीरा डाला है, थोड़ा सा मैंने एक चुटकी एक नमक डाला है और काली मिर्च का पाउडर डाला है। और ये हमारी आलू की भुजिया बनके तैयार हो गई है। और ये हमारे पराठे जो कि मैंने बना लिए हैं हमारे नाश्ते के लिए। चले फ्रेंड्स, जरा ट्राई भी कर लेते हैं इसे। बहुत सारे पराठे हैं ये, इसे हम जरा ट्राई करते हैं। आलू की भुजिया जो है वो मेरी फेवरेट है। मम्मी के तो एक्सप्रेशन से ही मुझे पता चल गया कि उन्हें बहुत अच्छी लगी है ना, और बहुत भूख भी लगी है। आप लोग भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर आऊंगी नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।